शासन द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें महिला कोरोना योद्धाओं, विशेषकर महिला सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने, कोरोना में योगदान की सराहना करने के लिए उनका माल्यार्पण करके व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का आदेश आया था, जिसके तहत नगर निगम सदन हॉल में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महापौर द्वारा महिला पार्षद, नगर निगम कार्यकर्ता, महिला कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपना विशेष योगदान दिया था, उन्हें महापौर द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं फूल माला देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, योगी सरकार द्वारा महिलाओं को सम्मान देने के लिए एकाश्रम आयोजित किया गया है। एकाश्रम महिलाओं के कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उनके अंदर अपने में स्वाभिमान पैदा करने के लिए और हर क्षेत्र जो हम महिलाएं काम करती है उन्हें भी रूप से काम करें उनका सबसे बड़ी बात है महिलाओं के प्रति प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक भाई को सोच बदलनी पड़े। महिलाओं के अंदर हो सकती है जो पुरुषों से भी ज्यादा सहनशील, गतिशील और काम करने की क्षमता रखती है। इसके बाद श्रीमती द्रौपदी राम संस्कृति माल्यार्पण आप कर लीजिए पहले स्वागत।
आप लोग अपना प्रदर्शनी पत्र आगे करना। राकेश जी, आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में नगर निगम को निर्देशित किया था महिलाओं को सम्मान देने के लिए। जिन महिलाओं ने कोरोना काल में और समाज के लिए अति विशिष्ट कार्य किया है या विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या नगर निगम के हमारे लिपिक हों या पदाधिकारी हों, और या जिन महिलाओं ने हमारे महिला पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में कोरोना काल में अच्छा काम किया है, उसको सम्मानित मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने महिलाओं के अंदर अपार शक्ति है, उनकी सहनशीलता, उनकी कार्यशीलता, उनकी धैर्य के बारे में उन्हें बताया गया है कि महिलाएं समाज के सामने आवें और निर्भीक होकर के समाज के बीच में अपना योगदान दें। सरकार उन्हें हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है और वो डरे नहीं, उनको पूरा सम्मान हमारी सरकार दे रही है। आज महिलाएं पायलट हैं, सेना में जा रही हैं और कठिन से कठिन मशीनों पर भी वो काम कर रही है। ये स्कूलों में प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं और हम और बड़े बड़े ऑफिसेज में बहुत से सारे अफसरों का कंट्रोल भी वो कर रही है। इस तरह से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए और इस सम्मान के लिए हम लोगों ने यहाँ पर उन्हें प्रमाण पत्र दिया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, और आगे भी हम देते रहेंगे। इसमें एक ही बात मुझे कहना था कि महिलाओं के प्रति लोगों के मन में सकारात्मक सोच हो, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, बहुत कुछ है। वो घर भी चलाती है, स्कूल भी चलाती है, ऑफिस में काम भी करती है, घर में खाना भी बनाती है, अपने बच्चों का लालन पालन भी करती है, उन्हें पढ़ाती भी है। एक माँ, एक महिला बहुत कुछ करती है। वो कोई ऐसा काम दुनिया में नहीं है जिसे वो नहीं कर सकती। कल्पना चावला का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसकी पहुंच अंतरिक्ष में, पहली बार भारतीय महिला कोई अंतरिक्ष में गई थी, कल्पना चावला। तत्काल प्रधानमंत्री ने पूछा था, कल्पना बताओ ऊपर से भारत कैसा दिख रहा है। कल्पना ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसी हमारी महिलाएं हैं, हमारे देश की नारियां हैं, विशेषकर भारत की नारियां, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने विभिन्न दायित्वों के प्रति पूरा समर्पण होकर काम करती है। इसलिए हम लोगों ने उनका सम्मान किया है। विशेषकर हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों को, लिपिकों को और हमारे जो माननीय पार्षद हैं महिलाएं, उनको भी हम लोगों ने सम्मान दिया है और आगे भी जो अच्छा काम करेगा उसे सम्मान देते रहेंगे।